हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सिक्स है, एक्सरसाइज 27। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एट दिया हुआ है और फ्रैक्शन एट जो होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न का जोड़, ये बनाना काफ़ी आसान होता है। बस अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, लेकिन समझना भी काफ़ी आसान है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एट द फॉलोइंग लिखा हुआ है, इसको एड करना है मतलब जोड़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन यहाँ ले लेते हैं, और तो यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर वन जो है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, इसके आगे सेम नहीं है। तो जहाँ तक सेम है डिनोमिनेटर, उसको बनाना काफ़ी आसान है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। इसके नीचे में अगर सेम होता है तो इसको एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो सेम इतना ही आएगा, 10 आएगा। फिर इसका एक लाइन खींचा जाता है, इस तरह से आप लाइन खींच लीजिए, फिर नीचे में 10 दे दीजिए, और नीचे अगर सेम है तो यहाँ ऊपर जितना रहता है उतना ही हो जाएगा, जैसे कि 1 + 3 + 8। इसके आगे जब डिफरेंट डिनोमिनेटर मिलेगा तो क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ऐड कर देना है, 4 हो गया और ये 8 हो गया तो 12 हो गया, यहाँ पे 12/10 आ गया। अगर ये कटता है तो इसको काट लेते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, जैसे कि ये 2 से कट रहा है, 2 6 = 12 हो गया और 2 5 = 10 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, 6/5 ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऊपर और नीचे, अगर नीचे छोटा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको रफ करके बता देता हूँ, जैसे यहाँ 5 हो गया और यहाँ 6 हो गया, तो 1 बार में जाएगा, 5 1 = 5 1 बच जाएगा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं। तो इसको बीच में रखना है और नीचे जो है रिमाइंडर को ऊपर रखेंगे, और ये जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। यहाँ पे 1 ऊपर गया, ये 1 है, और ये जो है 5 नीचे आ गया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 and 1/5 ये हो गया। इस तरह से इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे नीचे में सेम है इसलिए एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, फिर वहाँ ऊपर में जितना है उतना ही लिखेंगे, 5 + 4 + 1 5 और ये 5 10 हो गया, तो यहाँ पे 10/12। ये कट रहा है तो इसको काट लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 5 = 10 और 2 6 = 12 इतना हो गया, तो यहाँ पे 5/6 ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में बड़ा है इसीलिए ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बनेगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन इसको बनाते हैं तो ये पॉइंट में चला जाएगा, इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन इसका नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन, और यहाँ पर सब सेम है इसीलिए एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे नीचे में 50 ले लेते हैं, और यहाँ पे ऊपर भी जितना है उतना ही रखेंगे, 7 + 8 + 11 + 10 ये हो गया, और इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 36/15 तो ये कट जाएगा। किससे कट जाएगा, इसको 3 से काटते हैं, 3 3 1 = 3 हो गया और 3 2 = 6 कट गया, ये 3 5 = 15 अब नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कितना आ गया, ये 12/5। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इस तरह से चेंज करेंगे, 5 2 = 10 हो गया, 5 2 = 10 2 लिख दिया यहाँ पे और 2 बच गया, 10 अगर ख़त्म हो गया तो 2 बच गया, तो जो बच गया वो ऊपर चला जाएगा रिमाइंडर, और नीचे जो है वो नीचे रहेगा, कितना हो गया, 2 and 2/5 इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एलसीएम अगर हम लेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ ऐसे भी पता कर सकते हैं, जैसे जो छोटा नंबर है उसका टेबल में अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो फिर बड़ा नंबर जो है वही एलसीएम होता है, तो 3 का टेबल में 6 आ जाएगा इसीलिए एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पर ये लेते हैं एलसीएम 6। अब क्या करते हैं, इस 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना बार में जाएगा, 3 2 = 6 2 बार में जा रहा है, उस 2 को ऊपर वाला से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 है तो 2 1 = 2 ये हो गया प्लस, और फिर इस 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/6 तो ये कट जाएगा, 3 2 = 6 ऊपर में 1 रह गया तो 1/2 नीचे में बड़ा है इसलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटे नंबर के टेबल में ये बड़ा नंबर आता है, 7 का टेबल में 21 आ जाएगा, 7 3 = 21 तो इसका मतलब है कि इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं 21 आएगा, तो इसको एक लाइन लिखते हैं, 21 यहाँ पे लिख देते हैं, 7 3 जा मतलब 3 बार में जाता है तो 3
वन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, और यहाँ पे 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 1 1, ये हो गया इक्वल टू 4/21। यहाँ पे बड़ा नंबर है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ये आंसर हो गया 5 नंबर का। 6 नंबर लेते हैं, ये है क्वेश्चन, और यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया हुआ है, इसका टेबल में 6 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम बगल में ले लेते हैं या फिर रफ पेज में भी ले सकते हैं। 4 6 2, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 12, तो 4 का टेबल में कितना बार में जाएगा। आप इस तरह से समझें, जैसे ये 12 हो गया, इस 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, इस 4 से, तो कितने बार में जाएगा, 4 3 जा 12, और 3 बार में गया तो ये 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये 3 जो आया, बस यही प्रोसेस है, ये 3 जो है यहाँ पे लिखा गया प्लस, फिर इस 12 को, ये जितना बार रहेगा उतना बार होगा, इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 6 2 6 2 जा 12, तो 2 बार में गया, और इस 2 को यहाँ पे 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1 हो गया, 2 1 जा 2 2 आ गया, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 2 5 हो गया, 5/12, या नीचे में बड़ा है इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनने वाला है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन, 6 8 12 नीचे में दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एक रफ पेज पे हम कर लेते हैं इसको, 6 8 12 क्या आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बार में गया, 4, और ये कितने बार में, 6 बार में गया, 6 2 जा 12 हो गया, फिर ये 2 से जाएगा, 3 रह गया, 2 2 जा 4 2, 3 जा 6, और अब ये 3 बार में जाएगा, 1 2 1, अब जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ रहा है, तो यहाँ पे 24 लिख लेते हैं इस तरह से, 24 नीचे में, फिर इस 24 को 6 से डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा, 6 4 जा 24, 4 बार में, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, प्लस 12 2 जा 24, और 2 1 जा 2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 7 9 9/24, तो यहाँ पे ये बड़ा है इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 6 4 8 का एक रफ पेज में ले लेते हैं, 6 4 8 2, 3 2 जा 6 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, फिर यहाँ पे 2 3 रह गया, 1 हो गया 2 हो गया, अब नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, फिर यहाँ पे 24 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 24 ले लेते हैं, 24 और 6 4 6 जा 24 होता है, तो 6 1 जा 6 हो गया, प्लस 6 4 जा 4 1 जा 4, प्लस 8 8 3 जा, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 6 4 10 हो गया, और 3 13 हो गया, 13, और यहाँ पे 24 कटेगा भी नहीं और मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन, इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ये रफ पेज में हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 9 18 27, कितना बार में जाएगा, 3 से जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, और 6 3 जा 18, 9 3 जा 27, फिर 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और जाने वाला नहीं है, तो 3 3 जा 9 हो गया, और 9 2 जा 18, और 18 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 18 36 67 54, 54 आ रहा है, तो इसका एलसीएम 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे 54 लिखते हैं, 9 का टेबल पढ़ने से कितने बार में 54 आएगा, 9 6 जा 54 6, तो ये 6 1 जा 6 हो गया, प्लस 18 3 बार में आता है, तो 3 1 जा 3, प्लस 27 2 जा 54 हो गया, तो 2 1 जा 2 इतना हो गया, 9 हो गया, 9 2 11, यहाँ पे 11/54 न कटेगा न मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है, इसका एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं बगल में, 4 8 4 18, यहाँ पे 2 4, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ 9 2 जा 18, इससे आगे नहीं जाएगा लेकिन प्राइम नंबर नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पे 2 रह गया, और यहाँ 3 3 जा 9 हो गया,
यहाँ पे 3 2 6 हो गया और 3 2 6 6 6 36 हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और ये नीचे में 36 36 फोर का टेबल में कितना बार में आता है, 4 9 36 9, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 3 27 हो गया, प्लस 18 का टेबल में 2 बार में, 18 2 36 2 1 2 29 हो गया, यहाँ पे 29/36। तो यहाँ पे ये बड़ा है, ये बनने वाला नहीं है और कुछ कटने वाला भी नहीं है, इसका आंसर यही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन है 4 और 16 कैल्शियम निकालेंगे। तो जिसके बतलाए थे छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर अगर आता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा, तो 4 का टेबल में 16 आता है, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम हो जाएगा 16। तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे नीचे में 16 लिखते हैं, 4 4 जा 16, 4 बार में जा रहा है, तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस, और 16 1 जा 16, 1 बार में जा रहा है तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, 15 ही रह जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 15, तो 15 और 4 19 हो गया, 19/16। अब यहाँ पे नीचे में छोटा है ऊपर में बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, तो 16 2 जा 32 हो जाता है, इससे ज़्यादा है, इसका मतलब 1 बार में जाएगा, इसका मतलब है कि 1 बार 1 और 16 इसमें से निकल गया, तो कितना बच गया, 6 3, मतलब 3 बच गया, 3 और यहाँ पे 16, ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन है 8 और 12 का एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 8 12 2 4 2 जा 8 हो गया और 6 2 जा 12 हो गया, फिर यहाँ 2 से लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसका एलसीएम हो गया 24, तो 24 यहाँ पे लिख लेते हैं, और 8 3 जा 24, तो 3 5 जा 15 हो गया, प्लस 12 2 जा, दो बार में जा रहा है, तो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 हो गया, 29 हो गया, तो यहाँ पे इक्वल टू 29/24। यहाँ भी ये छोटा है, इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन इसको बना लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में 24 1 जा 24 ही हो, 2 बार में जाने वाला नहीं है, तो 1 हो गया और 24 बचा कितना, 5, 29 जाने में 5 बचेगा, तो 5 यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा और यहाँ पे 24 नीचे जितना है उतना रह जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, 13 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, रफ पेज ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम इसका लेते हैं 4 18 और 36, 2 कितना गया, 2 बार में, और 9 2 जा 18 हो गया, और यहाँ पे 18 2 36 18 हो गया, अब यहाँ पे 2 बार में जाते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 9 रह गया, और 9 2 जा 18, फिर यहाँ 3 से जाते हैं, 3 तो 1 रह गया, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 3 बार में जाएगा तो 1 रह गया, और 1 और फिर 1, 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, तो 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और इसको 36 यहाँ लिख लेते हैं, 4 का टेबल 36 कितने बार में आएगा, 9, 4 9 जा 36 और 9 3 जा 27, 27 प्लस 18 2 जा 36, 2 बार में जा रहा है, तो 2 7 जा 14 हो गया, और यहाँ पे 36 1 जा 36, 1 बार में 1 और 5, इसको ऐड कर लेना होगा, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 5 4 9 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, 1 बच गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, तो 46 हो गया, 46/36, इसको काट लेते हैं, 2 से कट ही जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23 बार में, और ये 2 से 18 2 36 18 बार में, इसका आ गया 23/18, ये आगे नहीं कटेगा क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है क्योंकि नीचे छोटा है, तो 18 18 2 जा 36 इससे ज़्यादा हो जाता है, 1 बार में ही जाएगा, तो 1 रहेगा यहाँ पे, और कितना बच गया, यहाँ पे 23 में 18 माइनस हो गया, 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में 5 आ गया और नीचे जो रहता है वही रह जाएगा, 1 and 5/18, ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसके एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, एक रफ पेज लेते हैं यहाँ पे, और 6 12 24,
क्या होगा, 2 से जाएगा 3, 2 जा 6 हो गया, 6 दुना 12 हो गया, और 12 दुना 24 24 ये हो गया। उसके बाद जाएगा 2 से 2, कितना बार यहाँ 3 रह गया, और यहाँ 2 3 जा 6, और यहाँ पे 6 2 जा 12, 3 से जाएगा 3 1 हो गया, 1 हो गया 3 2 जा 6, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, इसका मतलब है कि इस कैल्शियम 24 आ रहा। तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ 24 लिख लेते हैं, 24 तो 6 4 जा 24 हुआ, तो 4 4 1 जा 4 प्लस 12 2 जा 24, 2 5 जा 10 ये हो गया। उसके बाद 24 1 जा 1 बार में 11 1 जा 11 ये हो गया, इसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 11 5 15 हो गया, 15 और 10 25 हो गया, 25/24, ये तो छोटा है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है, तो एक बार में ही जाएगा। तो वन बार में 24 चला गया तो वन बचा, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर में चला जाएगा, वन रिमाइंडर बचा और यहाँ पे नीचे 24 रह जाएगा, ये आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3924 का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे एक रफ पेज में लेते हैं, 3924 इसको 3 से लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, अब जाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हो गया 1 3 और यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया। एक बार फिर 2 से लेते हैं, 2 1 हो गया, 3 हो गया और 2, अब प्राइम नंबर मिल गया। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 3 जा, तो 24 3 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12 हो गया, 2 1 बच गया और 6 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, 72 यहाँ पे इसका एलसीएम 72 आ रहा है, तो 72 यहाँ पे लिख लेते हैं, 72 और 3 से 72 कितना बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा, तो 24 2 जा 24 2 जा होता है 48 प्लस, और यहाँ से 9 कितने बार में जा रहा है, 9 से 9 8 जा 72 8 बार में जा रहा है, तो 8 5 जा 40 हो गया, 40 प्लस 24 3 बार में जाएगा, तो 3 1 जा 3। अब इसको करते हैं ऐड करते हैं, तो 8 0 और 3 मतलब 8 3 11 1 हो गया, 1 बच गया, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 91/72। तो ये कटने वाला नहीं है, हालांकि यहाँ नीचे छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड कर लेते हैं एक रफ पेज में, 72 और यहाँ पे 91, तो यहाँ 72 से अगर डबल करते हैं तो 140 140 से ज़्यादा हो जाएगा, 144 हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएंगे, वन बार में 72 यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे 11 में से 2 9 हो गया, और यहाँ पे बच गया 8, यहाँ पे 1, इसका मतलब है कि 19 ऊपर में रहेगा और नीचे 72, तो वन बार में ही जा रहा है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया 1/19/72, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ 3 18 12 इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे एक रफ पेज में लेते हैं, 3 18 12, 3 से 2 से जाएगा सबसे पहले, 3 और 9 2 जा 18 हो गया, और ये 6 2 जा 12, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, इसके एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 36 यहाँ एक लाइन लेते हैं और 36 यहाँ कितने बार में जाएगा, 12 3 जा 36 होता है, 12 बार में जा रहा है, 12 2 जा 24 प्लस 18 2 जा 2 बार में जा रहा है, 2 5 जा 10 हो गया, और 12 3 जा 3 बार में जा रहा है, तो 3 7 जा 21 21, अब इसको ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पे 4 0 1 5 हो गया, और 2 1 3 3 और 2 5 यहाँ पे 55 हो गया बाय 36। तो यहाँ पे ये 5 से कटेगा या 11 से कट सकता है, लेकिन ये किसी से उन दोनों से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कटने वाला नहीं है। इसको मिक्स फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे रफ कर लेते हैं, ये 36 हो गया 55, 36 2 जा 72 होता है, तो वन बार में ही जाएगा, 36 हो गया
और यहाँ पे 5 15 में से 6, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 4 1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 and 19 by 36। ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 और ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम सीधा करेंगे, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ 8 6 48 और 1 49 हो गया, 49 by 8 प्लस 8 3 24 हो गया, 24 और 1 25 by 8। यहाँ नीचे सेम डिनोमिनेटर है इसीलिए एलसीएम सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ 8 लिखते हैं और फिर ऊपर जितना है वही रहेगा, 49 प्लस 25। इसको ऐड कर लेते हैं, 9 5 14 हो गया, तो 1 हाथ में रह गया, 4 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 74 by 8। तो ये कटेगा, इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 2 3 6 हो गया, 2 3 6, यहाँ 6 निकल गया तो 1 बच गया, 2 7 14 37 आ गया, और 2 4 8, इससे ज़्यादा कटने वाला नहीं है, ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ गया 37 by 4। ये यहाँ नीचे छोटा है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 होता है, तो 37 दिया हुआ है, 4 9 36 इसमें से निकल गया तो 1 बच गया, रिमाइंडर ऊपर चला गया और नीचे में 4 रह गया, यही आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको सीधा करते हैं, 5 1 5 हो गया, 5 4 9, 9 by 5 हो गया, प्लस 5 3 15 16 17, 17 by 5, सेम डिनोमिनेटर है इसीलिए एलसीएम वही रहेगा 5, और ऊपर में जितना है वही रहेगा, 9 प्लस 17, तो 17 में 3 डालते हैं तो यहाँ 20 हो गया, 20 और यहाँ 6 बच जाता है, 26 हो गया, 26 by 5। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन करने पर 5 5 जा 25, 5 बार में गया और बच गया 1, रिमाइंडर ऊपर चला गया और 5 यहाँ पे रह गया, ये इसका आंसर हो गया। सबसे पहले इसको सीधा करेंगे तो 15 6 जा 15 6 90 और 7 97, यहाँ पे 97 हो गया बाय 15, 15 प्लस यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 14 by 5। तो यहाँ छोटा जो नंबर है उसके टेबल में 15 आता है, इसका मतलब 15 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेते हैं 15, और ये 1 बार में जाएगा तो 1 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97 ही रहेगा, प्लस 5 3 जा 15, 3 बार में तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 14 28 44 42, 42। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 7 2 9 हो गया, 9 और 7 4 13 हो गया, 1 3 13 by 15। यहाँ पे ये 3 और 5 से कटेगा लेकिन 3 से ये कट रहा है, 10 3 13 हुआ, 13 3 का टेबल में नहीं आता, मतलब ये नहीं कट रहा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा, एक रफ पेज पे कर लेते हैं, 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 139, तो 15 कितने बार में जाएगा, 15 9 जा 135 होता है, 135 कितने बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, कट गया कट गया, इसका मतलब है कि 9 पे 4 by 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं, 9 and 4 by 15, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और पहले इसको सीधा करेंगे, 8 2 जा 16 हो गया, 16 और 4 20 और 3 23 हो गया, 23 by 8 प्लस 8 6 जा 48, 48 और 2 50 हो गया, और 3 53 हो गया by 6, 8 6 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 8 6 यहाँ पे 2 4 3 2 जा, इससे ज़्यादा नहीं होगा लेकिन यहाँ 2 और यहाँ पे 3, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 24, अब यहाँ 8 3 जा 24 हो गया, तो 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, 69 प्लस 6 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 4 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 53 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 212, इसको करेंगे ऐड, तो इसको ऐड करने पर आ जाएगा 281,
बाय 24, 24 टू से कटेगा, थ्री से कटेगा, ये टू से भी नहीं कटने वाला है, और थ्री से एट और टू टेन हो गया, और वन एलेवन, मतलब थ्री से भी नहीं कट रहा है तो ये कटने वाला नहीं है। इसको हम कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसको 24 से 281 को करेंगे डिवाइड, वन बार में गया 24, तो यहाँ पे बच गया 4, ये कट गया यहाँ 1, तो 24 दुना 48 होता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 ही रखेंगे, 11 में से 4 तो 7 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 17 हो गया, तो ये रिमाइंडर हो गया 17। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा कितने बार में गया, 11 और 17 बचा हुआ है, 24 नीचे वही रह जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको सीधा करेंगे, 9 5 जा 45 46 47 बाय 9 प्लस 18 36 38 54 54 और 1 55 बाय 18 प्लस 12 11 12 और 1 13 बाय 12। इसको एलसीएम कर लेते हैं, पहले 2 से जाएगा, 2 9 रहने देते हैं, 9 2 18 हो गया, और 6 2 12। अब 3 से जाएगा, 3 3 9 3 3 9 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे 3 1 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, तो यहाँ पे 3 3 9 9 2 18 18 2 36, तो इसका एलसीएम हो गया 36। यहाँ पे लिख लेते हैं 36, 9 4 जा 36, तो 4 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 188 प्लस 2 बार में जा रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, 55 का डबल हो गया 110 प्लस 12 3 36, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 3 26 39। इसको करेंगे ऐड, तो इसको ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 337, और यहाँ पे हो गया 36, तो ये कटने वाला नहीं है, इसको हम कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 बार में ये कट रहा है, 9 एंड 13 बाय 36, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे, यह है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको सीधा करना पड़ेगा, 8 2 16 हो गया, 16 और 4 20 और 1 21 हो गया, 21 बाय 8 प्लस 12 4 जा 36 12 48 हो गया, 48 में से 2 दिए 50 हो गया, 50 और 5 55 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया प्लस 6 1 जा 6 और 17 बाय 6 हो गया। इसको हम एलसीएम लेते हैं, 8 12 6 कितना हो गया, 2 बार में लेते हैं, 4 4 2 जा 8 6 2 जा 12 और यहाँ पे 3 2 जा 6, फिर इसको लेते हैं 2 बार में, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 3 रह गया, फिर इसको लेते हैं 3 बार में, तो यहाँ 2 रह गया और यहाँ 1 1, मतलब 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 12 2 जा 24, तो इसका एलसीएम हो गया 24। यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 24, 8 3 जा 24 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 63 प्लस 12 2 जा 24, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110 प्लस 6 4 जा 24, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 28 यहाँ पे, और इसको करेंगे ऐड, इसको ऐड करने पर हमें मिलेगा 201 बाय 24। तो इस 24 और 201 ये जो है 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से इसको काट लेते हैं, तो 3 6 जा 18 हो गया, और यहाँ पे बच गया 2, तो 3 7 जा 21 ये कट गया, और 3 8 जा 24 ये कट गया, तो मेरे पास आ गया कितना, 67 बाय 8। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 8 8 जा 64 होता है, तो 8 बार में ये चला गया, 64 निकल गया, तो 3 बच गया, यहाँ पे ऊपर में 3 और यहाँ नीचे में 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको सीधा करना होगा, 9 3 जा 27 और 1 28 हो गया, 28 बाय 9 प्लस 12 4 जा 48 और 5 2 दिए
50 हो गया, और 53 बाई 12 प्लस, ये तो सीधा है, इसको इतना ही रख लेते हैं 24। अब 9, 12 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कहीं रफ में, 9, 12, 24, 2, 9 रह गया, 2, 9 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 6, 2 जा 12, और यहाँ पे बार दोनों 24, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया 2 से ले लेते हैं, 2 से जाएगा 9 रह गया, यहाँ पे 3, 2 जा 6 हो गया, और 6, 2 जा 12, अब 3 से 3, 3 जा 9, और 3, 1 जा 3, 3, 2 जा 6, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 3, 2 जा 6 हो गया, 6, 3 जा 18, और 18, 2 जा 36, 36, 2 जा 36, 2 ना 72, 72 आ रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72, एक लाइन लेते हैं, यहाँ 72, और 9, 8 जा, 9, 8 जा, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो आ जाएगा 224 प्लस 12, 6 जा, 12 छक 72, 6 बार में, तो 53 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 318 प्लस 24, कितने बार में जाएगा, 24 दून 48, 24 दिन 72, 3 बार में जाएगा, तो 17, 34, 51, 51, इसको ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 593/72। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, एक तो सीधा है, दो ठो ये जो है 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, बाय 8 प्लस 5 टू जा 10 और 1 11 हो गया, 11 बाय 5 प्लस 2 बाय 3, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, तो यहाँ पे किससे एलसीएम जाएगा, एलसीएम किससे जाने वाला नहीं है, सिर्फ इसको प्राइम नंबर में चेंज करना होगा, तो यहाँ 2 से लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, ये इतना रह जाएगा, और 3 यहाँ रह जाएगा 5, और यहाँ पे फिर 2 से लेते हैं, तो फिर 2 2 जा 4 हो गया, और ये 5 रह गया, ये 3 रह गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, और 60 2 जा 120, 120 हो रहा है, इसका एलसीएम 120, 120 यहाँ पे 120 लिख लेते हैं, फिर ये कितना बार में जाएगा, 8 1 जा 8 यहाँ से निकल गया 1, और यहाँ पे 8 निकल गया तो बच गया 4, तो 140 तो 5, तो 15 बार में जाएगा, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225, 225 होता है, और यहाँ पे 5 से ये कितना बार में जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ से 10 निकल गया, तो यहाँ पे बच गया 2, तो 5 4 जा 20, तो 24 आ गया, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 264 प्लस 3 से इसको करेंगे तो 3 4 जा, मतलब 4 पे एक 0 मतलब 40, 42 जा 80, तो 80 बार में, अब यहाँ पे इसका ऐड करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 569/120, तो ये कटने वाला नहीं है, इस तरह का नंबर है 69 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन करते हैं हम लोग, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 489/120, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 27 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।